अब अंजना कुछ बताया नहीं, जब अंजना को नहीं बताया तो बाबा गौतम ऋषि को क्रोध आ गया और अंजना से कहा, जा लड़की तुम माँ की तरफ बात खींचती है, मैं तेरे को श्राप देता हूँ और इतना भयंकर श्राप देता हूँ कि तेरे कुंवारेपन पर बेटे का जन्म होगा। इतना सब कुछ श्राप दे दिया तो अंजना कहने लगी, जाओ पिता अगर ये बात है तो मैं वचन देती हूँ कि जीवन भर मनुष्य की परछाई नहीं पड़ूंगी तो हमारे लड़का हो ही कहां से। जब इतना श्राप दे दिया तो अंजना भैया निकल पड़ी घर से। क्या हो रामा झिर झिर बहाई गंगा नदी कोयल बनमा बोले कोयलिया बनमा बोलाए हो तेजंस गिर गया। देवताओं ने सोचा ये तेजंस बर्बाद जाएगा तो देवताओं ने क्या किया, पीपल का पत्ता लिया और लेके पीपल पत्ता पर वो तेज को सीधे समुद्र में गिरा, नदी में गिरा दिया। अब वो तेज बहता हुआ आ रहा था, मैया अंजलि नहीं जान पाई, पानी के सहारे उसको पी गई। जब मैया अंजलि पी गई तो भैया मैया अंजलि का मालूम, हो रामा तेजो पियाई शिव जी का अंजनी नहीं जाने अंजनी नहीं जाना हो रामा एक मास दुई बीते तीसरे मास लागे तीसरे मास लागे जन्मो लीने एक बन राजन मोहली ने मैया नहीं जान पाई। जब समय आवा तो एक बंदर जन्म भवा। अब बंदर जब जन्म भवा भैया तब तो बड़ा खराब काम होगा। मैया अंजनी घबरा गई। अब यहाँ पर समझना है कि शिव जी का तेज भवानी मैया अंजनी ने पिया तो फिर बंदर क्या कहे फूट हुआ वा। गर्भवती महिलाओं को विष्णु पुराण में कश्यप ऋषि बाबा ने नियम देखा था, गर्भवती माताओं को 6 नियम करक चाहिए। का बात ये कुआ हो ए? कान उखाड़े ढेर को दट
मारे बैठा भाई तुम कहा बहुत 4 रुपए कमाओ आ जाओ किन्ने रे हमका भी जानते रहे कोने रूपा के होना प्रेम सुरविंद्रावन बिहारी लाल की बांके बिहारी भगवान की। ए भैया माता अंजनी घबरा गई। कहते हैं कि गर्भवती माताओं को 6 नियम करक चाहिए, विष्णु पुराण में लिखा है, और ये नियम करने से पुत्र शुद्ध होगा। मैया अंजनी ने एक भूल कर दिया, जब शंकर जी का तेज पिया तो केसरी नाम का बंदर बैठा था डाल पर, फोटो खिंच गया। एवद हनुमान चालीसा में लिखा है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। जैसे बंदर जैसा जन्म लिया तो मैया अंजनी घबराए गई, दादा बंदरवा बैठा भा। अम्मा घबरानी तो तुरंत ही बंदर उलीन का लग गया, भय भयंगो। जैसे जंगल में मैया अंजनी ने फेंक दिया तो वो बंदर उठ के बैठी गा हो, अब कहा लगा अम्मा नमस्ते। आप बताओ 5 लड़का हमारे पुराण भे हैं जो गर्भय से ने बोला बतलाव चला, फिर अब सब जान गिर हैं। 5 लड़कन का अलग अलग नाम गिना देव समय समय पर। तुलसी बाबा जब जन्म लेन तो 3200 दांत मौजूद थे, चले फिरे वाले थे, चाहे पढ़ के देख लो। तुलसी बाबा वह तुलसी बाबा मर के दोबारा बने हैं बाबा रघुनाथ दास, जिन्होंने विश्राम सागर लिखा। वह रघुनाथ दास बाबा बने हैं जगदीशानंद, जिन्होंने जगदीश रामायण की रचना किया, जिस किताब से हमारे पूज्य गुरु जी शाहजहानपुर वाले गुरु जी कथा कहते हैं, द्वारिका सिंह स्वामी जी। वह जगदीशानंद जिन्होंने जगदीश रामायण की रचना किया। मेरे बंदों ज्यादा ना बोलते हुए आपको बता दें, 5 लड़का भय, तुलसी बाबा एक भय और एक लड़का और भवा, नाम आप जानते ही हो, अष्टावक्र। अष्टावक्र अपने अम्मा के पेट में थे, इनके बप्पा गए काशी के यहाँ संस्कृत पढ़े। जब पढ़ के आए 4 वेद 6 शास्त्र तो घर में पढ़े तो अपना अध्ययन करे लाग। उस समय लड़कौनु रहे गर्भ में यहाँ, तो जब बप्पा अब संस्कृत यहाँ कई चीज आए, भैया कटे चाहे जितना बड़ा विद्वान होए, ऐस कोनो विद्वान ने जिससे यहाँ का आधा मात्रा कटे ना, संस्कृत या कई चीज है। तो ये जब पढ़े लग तो कम ज्यादा होगा, तो वो लड़का गर्भ से अंदर बोले, बप्पा बुंदी काहे काटत हो। वो गर्भ के अंदर से लौंडा काहे बप्पा मात्रा नहीं लगावा था। तो मम्मी कहे गुस्सा लागे कि जब पैदा नहीं भा तभी अतनी बार लड़ावत, और जब जन्म ली तभी भला को राखी। तो अम्मा गुस्सा लागे तो अपन पेट ही मल देने, जब अपन पेट रगड़ देने घसीट गया तो लड़का 8 जगह से ने गर्भ में टूट गवा। वही अष्टावक्र बने हैं जो राजा जनक के गुरु थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। या पूरी कथा नहीं केवल साल्ट में बोल दिए हैं, और पूरी बताए तो वत्ते ने बताई मिली, कथा समाप्त हो जाएगी। तो और लड़का भय 3 ठवर और समय आएगा तो हम बताएंगे भैया। हनुमान जी उठ के बैठ गए और कहा, मैया हमका यू बताओ, तुम तो लावारी सम फेंके जाती हो, सब मैयन के लड़का हो तो कोई कहा तिलाओ सहत पिया दे, कोई कहा तिलाओ रुई में दूध पिया दे, कोई कहा तिलाओ कौवा के राती पाती खवाए दे, और तुम कैसी माँ बा, हमके छोड़ के चल गई नहीं, हम के छोड़ के चल गई नहीं, रउआ कहा करी ढोलकिया कहा आवत है, तो आ जाई रउआ तब गायब, जो ढोल न बाजी तो कहा गायब, और कहा सुनी कहा गवा रहे हो, मार बैठो सर। बोला सच्चिदानंद भगवान की। ए मैया अंजनी से हनुमान जी बोले, मैया ओ मैया भूख लागी अति मोरे भोजन तो भा खाओ भोजन तो भा खावा मैया भूख लागी अति मारे।
सोचे लागी कि इनका दी बकाए। तो मैया कहा लगी सुनो हो रामा, इतने बचन सुन के अंजना और मैया बहु घब नानी जननी घबड़ानी हो। ए, हमरे वनायो और खाने की बात करती हो तो सवेरे ऐसी लाल पियर एक फल निकरी ऐसी वरा वहां तुम्हार भोजन हुआ है कच्चे पर लाल लाल पक्के पर करिया और जो कोई कहानी ना बुझे उसका बाप कबड़िया। हनुमान जी सारी रात भूखन भैया डार पर कुलर रहे उधर रहे सवेरे भैया जैसे हनुमान जी सवेरा हुआ रामा होती भोरो भाना निकरई तो सुरजन कहीं हा लीले बजरंगी सुरजन लीला है हो देखिन लाल पियर फल निकरा सूरज भगवान कहा लागे यहाँ जनो फल हुआ है और जब तक लेट कह रहे ना वत पीले से ने लाल पर रहा है और तेज हो रहा तो ज्यादा अगर देर हो तो तरबू तना सरू सकत। तो हनुमान जी लगाया छलांग अपनी अम्मा से कहा मैया तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ तुम्हारा आशीर्वाद हमारे साथ मैया यू फल हम खाए कामयाब हो जाए। प्रातः भाना उदय भय तब हनुमत पहुंचे जाए मैया केरी यज्ञ मैया सुरजन कालीन भैया खाए दूलरुआ नाती गौतम का भैया यजन के सुत हानो मान दूलरुआ नाती खाली मुहिमा धल अब जब सूरज बाबा निकरे तो कह गायब हो गए फिर रात हो गई। जब फिर रात हो गए तो दिन के बतावे घड़ी भैया दिन के बतावे राज की बज रहे हैं 11 दिन के 11 और जब बाहर निकल आ जा तो रात वह तरह सन्ना है लड़का निकल निकल रह जाए इसे भाग अम्मा गुड़ रोटी घुसव रह जाए हमने मरी गाऊ गुड़ रोटी खवाए जा तुमका अब है तुमका आलू क्या भरता खवाए खाई ए तो अब देवता कहा लगा अब काकिन जाओ घड़ी रोड रही हुई पार गई यहाँ तो अब सब परेशान हो गए भैया यहाँ तक रहा यहाँ तक सुनो कि बिकल भये सब देवी देवता बिकल भये सब लोग बिकल हो गई धरती मैया बिकल भे चंद्रमा तीनों लोक दुलरुआ नाथी गौतम अंजन के बेदहानो मान दुलरुआ नाथी हनुमान जी महाराज भैया सब हंसुजन कहीं लील कहीं या किनारे खो हम बैठ जा काला छुट्टी कह दे दुनिया आप दुनिया के देवी देवहरा तुम्हारे भरकंडेश्वर बाबा लाग रहा है लाइन कि चलो देखे कितना रात हो गई यहाँ कोई पूजो पाठ नहीं करे हुआ ओ भरकंडेश्वर बाबा के बाबो मार जड़ा है सिटिया है नहीं कहते ओजा मोजा रहे नहीं ये बाबा उन्हें कोने में झुक के बैठ गया कहाँ जाई बालाजी में घुस जाये कि काली जी में घुस जाये। हाँ भैया ये बड़ा दिक्कत तो सब देवी देवता भागत भागत गए भाई कौन है इस भी रोएगा जो सुरजन कहे गए कई दिस तो गए तो देखे का हनुमान जी सुरजन ली लिए मुंह फुलाए गुब्बारा का वाइट सब देवी देवता गए भोले बाबा से कहा भोले नाथ तुम दया कह दो तो भोले बाबा कहा चलो भाई चल रहे तो भोले बाबा गए गलमुंदरी बजाया गलमुंदरी कौन लड़का बजाओ जौन पूसम पैदा होते
जैसे गलमुंदरी बजाया हनुमान जी मुस्काए परे, सूरज बाबा छूट गए, दन दिन होएगा, दिन होएगा भैया। हनुमान जी को सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दिया। इंद्र आवा तो हनुमान जी का गदाधीश, समझ ले हो भैया। हनुमान जी का गदा कहां से मिला, ये केवल हम एक शब्द बोल दें, इंद्र को, इंद्र के द्वारा हनुमान जी को गदा मिला। हनुमान जी का सब देवी देवता शक्ति दिया और कहा भैया तुम्हारी जय हो, तुम्हारा नाम रोशन हो। हैं, अब अत्ती बात कह के भैया अब सब देवी देवता सिस्टम से भैया लाग गए। अब हनुमान जी महाराज जंगल में रहने लगे। थोड़ा जब सयाने भए तो एक दिन हनुमान जी चलते चलते मैया अंजनी के आश्रम के पास आए। मैया अंजनी समझ गई कि ये मेरा वही बेटा है, अब बेटा मेरा जब आ गया है तो मैं नहीं भगाऊंगी, मेरा बेटा कुरूप हो या स्वरूप हो मैं बेटा ही मान लेती हूँ। मैया अंजनी ने हनुमान जी को अपने पास बुला लिया। थोड़ा जब हनुमान जी सयाने भए, जब थोड़ा सयाने भए तो माता अंजनी ने अपने बेटे हनुमान से कहा बेटा तुम पढ़ो लिखोगे या नहीं पढ़ोगे। बे लड़का हमारा चाहे कुरूप हो चाहे स्वरूप हो कैसा हो, बच्चे का पहला डंडा मजबूत कर देना। बच्चे का पहला डंडा क्या है, एक मंजिल मकान पर चढ़ने के लिए नौ डंडा की सीढ़ी होती, बोलो भाई होती कि नहीं होती, नौ डंडा की सीढ़ी होती। ऐसे ही भगवान के घर जाने के लिए नौ डंडा की सीढ़ी जरूरत है। विद्या ददात विनयम विनयाद्याद पात्रता पात्रतार्थे धरा धनाते धर्मा धर्मत विरत विरत्ते ज्ञाना ज्ञान मोच प्रतिवेद बखाना, ही नौ डंडा है। तो पहल डंडा है विद्या। विद्या अगर तुम्हारे अति नहीं ना तुमका वो अलग तहजीब हुई और ना बड़े तुम्हें बोल पी हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो हाँ भाई सीखो चरा लिया हो गैया चरा लिया हो। लेकिन अगर वकील हो कोनो डॉक्टर आएगा वा कोनो अधिकारी आएगा तो पढ़े भैया तुम बात कह लो, हम यार बोल नहीं पाए हमारे मुझे अब तब्बे निकली है भाई और तो और है नहीं, तब पढ़ा लिखा आदमी ढूंढा जात। तो सबसे बड़कवा डंडा है विद्या, है ना। तो विद्या बच्चे को विद्या जरूर पढ़ा दो। माँ ने कहा बेटा पढ़े जाइयो, हनुमान जी बोले मैया पढ़े जरूर जाओ और खूब पता लगा लो, जो खूब सुंदर मुंदर दमी हुई गुलाब का फूल वो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हुई हाली, वो हाली पढ़े पे नहीं को रूप अपगुमान है। और जो करिया करिया लोखट हुई लोहा का सुई का पूछो धरती फारे। एक लड़का नेट पर देखे हुई हो उससे तुम चाहे 10 साल पहले की बात पूछो चाहे बाद ही पूछो, पूछो पर साल 26 जनवरी में कौन दिन है तो क्या कहा 26 जनवरी में बताओ नहीं बताओ बताओ कंप्यूटरों पे है मेरे बंधु। तो कहने का मतलब अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। हनुमान जी से मैया अंजनी ने कहा बेटा तुमने सुरजन को खा लिया इसलिए उनके कर्जी हो, ऐसा करो तुम उन्हें पास विद्या पढ़े जाओ। तो हनुमान जी के गुरु कौन बने, हनुमान जी विद्या पढ़ने के लिए चल पड़े कहां, विद्या पढ़न चले हनुमाना, विद्या पढ़न चले हनुमाना, विद्या पढ़न चले हनुमाना, विद्या पढ़न चले हनुमाना, जिनके गुरु सूर्य भगवाना, भैया विद्या पढ़ने के लिए चल पड़े। विद्या पढ़ने के लिए हनुमान जी महाराज सूर्य लोक को प्रस्थान किया। अब हनुमान जी महाराज सूर्य लोक जा रहे हैं विद्या पढ़ने के लिए, लेकिन जब सूर्य भगवान ने देखा कि वह बंदरवाए रहा तो जत हनुमान जी आगे बढ़े वत सूर्य भगवान पाछे बढ़े, क्योंकि पहले दिन में पहले ही दिन खाए गवा हमका कपिराज हम कहाँ भागी, खाएगा हम का पिराज हम कहाँ भागी, हम कहाँ जाए तो पहले दिन हम का खा गया था। तो जब सूर्य भगवान भागे भागे घूमे तो हनुमान जी हाथ जोड़े कहा गुरु जी हम का पढ़ाए जो हम विद्या पढ़ा रहे न, हम चेला बना रहा अब नहीं खाब। जब तिरवाचा हुआ तब सूर्य भगवान रुके, हनुमान जी बोले गुरु जी हम आपके आभारी हैं, मैं आपको जानता नहीं था, मैंने आपको नहीं खाया था और कहो पगुराए नहीं रहन मारे कूच काची जाते हो।
हनुमान जी में बड़ी गति, जब लंका के यहाँ हनुमान जी गए तो काल दौरा, हनुमान जी का खाए मारे काल दौरा मऊत, जैसे काल दौरा तो हनुमान जी हई बे मुंह फैला दिन कटेश्वर का धुआरा सोनालिका का, जैसे मुंह फैलाया तो काल दौरा तो हनुमान जी के गप पद मुहिमा चला गवा, जब हनुमान जी के गप पद मुहिमा चला गवा जब मुहिमा चलागा तो हनुमान जी का आला सरो तुमका पकुरावे जाए रहे, अब तुमका जाब घटके, तो जैसे हनुमान जी पकड़ा दौरे चले पगुरावे चले तो ब्रह्म लोक से ब्रह्मा भागे, क्षीर सागर से विष्णु भाग, हे ब्रह्मा जी पकड़ लिन ऊपर चाप और विष्णु जी पकड़ लिन खाले के चाप, कहा लग हनुमान फारियो ना चबुलायो ना, चबुलाए जई हो तो सब बिगड़ जाये, फिर रावण मरिया नहीं मरी, जब कालू को मार डरी हो, जब मौत का मार डरी हो तो मारी को, और फिर रावण है रावण भैया हाइब्रिड जिंदा है, देसी तो मरी गवार है, यो रावण हाइब्रिड है, पढ़ के देख लियो, रावण को राम जी ने खेल खेल में 6 वर्ष की उम्र में मारा था, तो रावण फिर जिंदा का है, ईके नाभि में यहां अमृत भर दिन का रहा है, टायर जैसे टीप पंचर होएगा तो तुरंत चम पंचर जोर हवा फिर भर दियो काम खत्म, तो रावण के नाभि में अमृत भर दिया गया था, रावण ये बस जिंदा था, वह बात या बात जानत को रहा है विभीषण, तो रावण तब है नहीं मारे मंत्र है, तब विभीषण ने युक्ति बताया महाराज नाभि कुंड पीयूष बस याके, और नाथ जिये रावण बल ताके, मेरे बंधु बड़ी मतलब की बात, हनुमान जी वही हैं, हनुमान जी महाराज सूर्य के पास विद्या पढ़ने लगे, विद्यार्थी के 5 लक्षण, विद्यार्थी के कई लक्षण होते हैं 5, जो लड़का 5 लक्षण अपने जीवन में उतार लेता है वो पढ़ लिख के कर एक दिन एडवोकेट प्रोफेसर बनेगा, अच्छा खासा आईजी बनेगा, डीआईजी बनेगा और बहुत बढ़िया पदवी पाएगा, ये 5 लक्षण विद्यार्थी के है ना, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा ग्रह त्यागी अल्पाहारी, यह सब नियम है ना, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा ग्रह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी 5 लक्षणम, तो ये सब भैया नियम अपनाओ, हनुमान जी सारे नियम अपना रहे हैं और हनुमान जी विद्या पढ़ रहे हैं।